ये बहुत ही करारी बने हैं हमारे चने के पकोड़े। बहुत ही स्वादिष्ट और यूनिक रेसिपी है ये। आज हम बनाएंगे काले चने की एक यूनिक सी स्नैक्स। तो उसके लिए हमें कुछ सामान की जरूरत है। तो उसके लिए हम लेंगे हमारे कच्चे चने फूले हुए हैं जो रात भर भिगो दिए थे हमने। कटी हुई प्याज ले लेंगे हम, इनका पेस्ट ले लेंगे। दो हरी मिर्च कटी हुई ले लेंगे, थोड़ी सी धनिया की पत्ती कटी हुई ले लेंगे। अब हम ले लेंगे ये 4 चम्मच बेसन है। अब हम देख लेंगे कितनी बाइंडिंग हमारी लगेगी, उस हिसाब से हम बेसन लेंगे। और हमने लिए हैं ये आधी नींबू, इसका रस निकाल लेंगे हम। तो हरी मिर्च बारीक कटी हुई ले ली है हमने, 1 से 2 चम्मच धनिया की पत्ती ले लेंगे हम। ये सारे सामान हमने ले लिए हैं, अब चलते हैं हम इनको बनाने के लिए। अब हम ले लेंगे 1 बाउल। अब हम इसमें चने को डालेंगे। एक एक करके हम सारी सामग्रियों को मिक्स करते जाएंगे, सब कुछ हमें एक साथ ही मिलाते जाएंगे। ये अदरक लहसुन पेस्ट भी हम मिला देंगे। नींबू को निचोड़ के इसका रस भी मिक्स कर देंगे। इसमें हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, साबुत जीरा है ये। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, बहुत ही थोड़ी सी। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच ये कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर है। ये 1/4 छोटी चम्मच ये गरम मसाला है, आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। नमक हम स्वाद के अनुसार डाल लेंगे। इन सबको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। ये हमारे चने मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें बेसन मिक्स करेंगे। हम बेसन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जितनी हमें बाइंडिंग की जरूरत होगी उतने हम बेसन लेंगे। हमने 4 चम्मच बेसन लिए थे तो 2 चम्मच इसमें डाल दिए हैं, 2 चम्मच बचा लिए हैं। अभी मिलाते जाएंगे इनको हम अच्छे से। ये 2 चम्मच बेसन बचे हुए भी हम डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। इसकी बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए इसलिए थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। इसको मसल मसल के अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसन हमारे रेडी है। अब हम चलते हैं पकौड़े बनाने के लिए। हम लेंगे 1 कढ़ाई, इसमें डाल देंगे अब तेल। हम रिफाइंड तेल में फ्राई करेंगे इनको, तो आप किसी भी तेल में फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से हम हाथ में लेते जाएंगे और तेल में डालते जाएंगे, ऐसे एक एक करके हम डालते जाएंगे तेल में। तुरंत हम इनको नहीं पलटेंगे, पहले एक साइड सिक जाएगा उसके बाद हम पलटेंगे। ये एक साइड से सिक गया है तो हम इनको पलटेंगे। अब एक एक करके हम आराम आराम से इनको पलट लेंगे। अब दूसरी साइड भी हम इनको पकने देंगे। 1 मिनट मीडियम फ्लेम पे सिकने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और इनको सेकते रहेंगे लो फ्लेम पे। अब ये सिक गए हैं तो हम इनको निकाल लेंगे। ये सिक गए हैं और बहुत ही अच्छे करारी बने हैं। इनको हम टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है हमारा हट निकल जाए इसमें से। ये दूसरा बैच भी हमारा बन के तैयार हो गया है, इनको भी निकाल लेंगे हम। इनको भी निकाल के हम प्लेट में रख लेंगे। जाएगा हरी मिर्च तल के, फ्राई हो चुके हैं। अब इनको भी निकाल लेते हैं। हम इन्हीं पकौड़े के ऊपर मिर्चों को डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, ऐसे चटपटा होता है टेस्ट। इसके साथ सर्व करेंगे ग्रीन चटनी। ये देखिए, एक मैं तोड़ के दिखाती हूँ। इनको किसी भी चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग ट्राई ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।